तो युद्ध के कारण खंडर होता जा रहा है कीव, अब युद्ध क्षेत्र है। ऐसे में भगवान का दर शरणार्थी शिविर बन गया है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन में भगवान का मंदिर भी खौफ में नजर आता है। इस वक्त हम यूक्रेन की राजधानी कीव के इस इस्कॉन टेंपल में हैं। हालांकि ये इस्कॉन टेंपल इस समय कई लोगों का घर बना हुआ है, क्योंकि इस घर में लोगों ने शरण ले रखी है, इसी मंदिर में लोगों ने शरण ले रखी है। और यहाँ पर बहुत सारे भारतीय छात्र जब फंस गए थे, वो जाने की का रास्ता ढूंढ रहे थे, तब उन लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम, उन्हें शरण देने का इंतज़ाम इसी इस्कॉन टेंपल में किया गया था। और अब भी यूक्रेन के कई नागरिक जो इस्कॉन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, बाकी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की जाती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर में अब मूर्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि रूस के साथ चल रही लड़ाई के मद्देनज़र मंदिर की सुरक्षा के कारणों से फिलहाल मूर्तियां यहां से हटा दी गई हैं। लेकिन पूजा का क्रम लगातार बरकरार है। भगवान का घर ही एक ऐसी जगह है जहां सबके लिए जगह है, और यही कारण है कि कीव के इस इस्कॉन मंदिर में फिलहाल न केवल यहां के जो अनुयायी हैं वो रह रहे हैं, बल्कि कई आस पड़ोस के लोग भी यहाँ आकर फिलहाल भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि कीव में आसपास काफ़ी पाबंदियाँ हैं, शहर लगभग खाली सा हो चुका है। तो ऐसे में लोग यहाँ आके रह रहे हैं, यहाँ एक कम्युनिटी की तरह लोग रहते हैं, कीर्तन होता है यहाँ पर, और साथ ही ये सुरक्षित जगह भी है, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से भी यहाँ न केवल अच्छी पोस्ट बनाई गई हैं, बल्कि जो बेसमेंट है इसका उसमें भी सुरक्षा के अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। और इसके मद्देनज़र बहुत सारे लोग जो यहाँ रह गए हैं, किन्हीं कारणों से यहाँ रहते हैं या इस्कॉन के अनुयायी हैं, वो मंदिर को ही अपना घर समझ कर फिलहाल इन दिनों यहीं रह रहे हैं। प्रसाद का वक्त है, इसलिए भगवान के घर से बिना प्रसाद लिए नहीं जाते, हम भी प्रसाद लेकर ही यहां से जाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रणय उपाध्याय की एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।